मोदी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल। नए संसद भवन का रास्ता साफ। पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला। अब एक बार फिर मोदी सरकार को राहत मिल गई है। दरअसल सेंट्रल विस्टा परियोजना के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। शीर्ष न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है, पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या है सेंट्रल विस्टा परियोजना? इस परियोजना की घोषणा पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना था। इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। वर्तमान में लोकसभा सदन में कुल 543 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक का है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान है। ये परियोजना लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे दायरे में फैली हुई है। नया आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे, ताकि सभी मंत्रालय और विभाग समायोजित किए जा सके। अनुमानित लागत 20,000 करोड़। सेंट्रल विस्टा परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से करीब 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। सरकार की ओर से ही आश्वासन दिया गया है कि लंबित याचिकाओं पर फैसला आने से पहले वहां पर निर्माण या अधिवंश का कोई कार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इससे सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल मंत्रालयों के किराए पर खर्च हो रही है। कैसे दिखेगी नई संसद? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा और भव्य कलाकृति से युक्त होगा। इसे बनाने में कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा। संभावना है कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन त्रिभुज के आकार का होगा। इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिख ग्रुप।